प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल होली घोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक से आज के इस पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन नियंत्रित जीवन। जिस तरह मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 के 21 आयत में लिखा है, जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। मेरे प्रियो, अगर कोई आपको गलत बोल दे या आपको पता हो कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो अगर आपने भी उसको गलत बोलना शुरू कर दिया, उसके लिए अपने मन में गुस्सा नफरत रखने लग गए, तो यह नियंत्रित जीवन नहीं है। जब आप गुस्से में आकर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो कि आपकी सास ने आपको कुछ गलत बोल दिया, फिर आप उनको रोटी तक नहीं पूछते हो, उनको बुलाते तक नहीं हो, यह भी नियंत्रित जीवन नहीं है। बाइबल में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि उनको यह बात पता भी थी कि जिसने मुझे पकड़वाना है वह यहूदा इस्करियोती है, और जिस रात प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ाया जाना था उस रात भी वह अपने चेलों के साथ बैठे थे, उनके बीच में यहूदा इस्करियोती भी बैठा था। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। प्रभु यीशु मसीह को यह पता होने पर भी कि मुझको पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोती है, उन्होंने उस पर गुस्सा नहीं किया और ना ही उसको कुछ गलत कहा। जिस तरह वह पहले यहूदा से प्यार करते थे, उसी तरह वह बाद में भी उससे प्यार करते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन पर नियंत्रण रखा हुआ था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरी कर पाए, क्योंकि उनकी जिंदगी नियंत्रण वाली थी। मेरे प्रियो, जब आप भी नियंत्रण वाला जीवन जीते हैं, परमेश्वर जैसे स्वभाव रखते हैं, तो फिर आप अपने माता पिता के साथ, अपने दुश्मनों के साथ सही व्यवहार करते हैं, फिर आप पाप की तरफ नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों की तरफ ही अपना ध्यान रखते हैं, फिर आप अपनी ज़िंदगी में गवाहियों की बारिश को देखते हो। जब आप अपने मन पर, अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हो, तो फिर आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरी होते हुए देखते हैं। बाइबल में जब हम उत्पत्ति 39 अध्याय 12 आयत को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ का कपड़ा पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। तब यूसुफ अपना कपड़ा उसी के साथ में छोड़कर भाग गया और बाहर निकल गया। हम यूसुफ के बारे में देखते हैं कि उसका अपनी ज़िंदगी पर पूरा नियंत्रण था। जब उसको पोतीपर की पत्नी ने अपने साथ सोने के लिए कहा, तो उसने उनको मना कर दिया, वह उस जगह से भाग गया। वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता रहा, उसने अपने आप पर नियंत्रण रखा, वह विचार नहीं किया, इसलिए उसको परमेश्वर ने ऊंचा किया और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया, और परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी हुई। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो और आपके जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े काम प्रकट हों, तो यूसुफ की तरह एक नियंत्रित जीवन जिएं। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचन के साथ चलता रहूँगा और अपनी ज़िंदगी पर नियंत्रण बनाकर रखूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमीन।